जैसे कि आप जानते हैं, यह है सीता का घर और यहाँ पर सुहाना, सोफिया, गुड्डू खिलौनों से खेल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। ये लो गुड्डू, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? पहली बार तुम कितने अच्छे से खेल रहे हो, मेरा प्याला भाई। आज तो संडे है, कल हम ऐसे ही फुल मजे करेंगे। नर्स, हमें कैसे भी करके इस गांव के सारे बच्चों को इंजेक्शन लगाने ही होंगे। तुम्हें मालूम है ना, बीमारियां कितनी तेजी से फैल रही है और बच्चे कितनी तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन मेरे एक बात समझ में ही नहीं आ रही है, तुम ये गोलियों का डब्बा लेकर कहाँ फिर रही हो? अरे मैडम, मैं गोलियों का कटोरा इसलिए लेकर फिर रही हूँ, हम उन्हें लालच देंगे और बच्चों से कहेंगे कि हम कैल्शियम की गोलियां बांट रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मीठी गोलियां हैं। हम जैसे ही ऐसा बोलेंगे तो सारे बच्चे हमारे पास आ जाएंगे और फिर हम एक एक करके सारे बच्चों को इंजेक्शन लगा देंगे। वाह नर्स, क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, बच्चे इससे प्रभावित होंगे और हमसे आसानी से इंजेक्शन ले लेंगे। चलो अब जल्दी से हम बच्चों को ढूंढते हैं। कैल्शियम की मीठी मीठी गोलियां ले लूं, छोटे छोटे बच्चों के लिए मीठी मीठी गोलियाँ। तुम्हें मालूम है वो नर्स आंटी कटोला भर के मीठी गोलियाँ लेकर फिर रही है और ऐसी ही फिली में दे रही है। चलो जल्दी से, मैं तो इनसे मांगने वाली हूँ। अरे ओ आंटी, मुझे दे दो ना मीठी गोली। अली चिंकी, मुझे भी मीठी गोली हो ना। अरे दीदी देखिए, डॉक्टर्स आए हैं। अरे वाह नर्स, देखो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बच्चे है। अरे आइए आइए, बैठिए यहाँ पर। थैंक यू सो मच। अरे मैडम, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे है ना, हम उन्हें इंजेक्शन देने आए हैं। आजकल पेरेंट्स दवा खाने में सही टाइम पर बच्चों को नहीं लेकर आते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को इंजेक्शन बहुत ही कम लग रहे हैं और बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। इसीलिए हम हर घर पर जाकर हर बच्चे को इंजेक्शन लगा रहे हैं। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। गुड्डू को पोलियो का इंजेक्शन अभी तक नहीं हुआ है और सुहाना, सोफिया, वो दोनों को भी इंजेक्शन लगाने हैं। अरे मैडम थोड़ा स्लो बोलिए, नहीं तो बच्चे सुन लेंगे और डर के मारे भाग जाएंगे। हर घर में ऐसे ही हो रहा है, हमारे जाते ही बच्चे दुम दबाकर भाग जाते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एकदम स्लो ही कह रही हूँ। चलो पहले आप गुड्डू को इंजेक्शन लगा दो। अरे ये क्या है, तीनों भी बच्चे हमारी तरफ ही देख रहे हैं। अरे सीता, बात ये है कि बच्चे को टीका देने आए हैं। गुड्डू का कौन सा इंजेक्शन बाकी है, कि तुम्हें कुछ याद है? अरे दीदी, गुड्डू का तो पोलियो का तीसरा इंजेक्शन बाकी है। अरे नहीं, वो तो मैंने अभी तक नहीं दिया। अरे सीता, घबराने वाली बात नहीं है, ये डॉक्टर्स हमारे घर पर इंजेक्शन देने के लिए ही आए हैं और ये गुड्डू, सुहाना, सोफिया, हमें तीनों ही बच्चों को इंजेक्शन लगाने हैं। अरे डॉक्टर, आप वो देख रहे हैं ना, तीनों भी बच्चे वो हमारे ही बच्चे हैं और वो तीनों को भी इंजेक्शन लगाने अभी बाकी है। अरे फिक्र मत कीजिए, वो तीनों को भी हम इंजेक्शन लगा देंगे। कौन कौन से बच्चों को मीठी मीठी गोली खानी है वो हमारे पास आ जाए। अरे हमको खानी है, हमको खानी है। अरे डॉक्टर डॉक्टर, हम कब से आपका पीछा कर रहे हैं, हमें ये मीठी गोली खानी है। हाँ बच्चों, सबको ये गोली मिलेंगी। चलो सब एक एक करके यहाँ पर बैठ जाओ। गोली गोली, टापी टापी। अरे हाँ बच्चे, तुम्हें भी मीठी गोली मिलेंगी। अरे मैडम रेडी हो जाइए इंजेक्शन देने के लिए, सभी बच्चे जमा हो रहे हैं। चलो शुरुआत इस छोटे बच्चे से करते हैं, तुम इसे पकड़ लो, मैं इसे इंजेक्शन देती हूँ। चलो गोली मोलू, इधर आ जाओ। ये लो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी गोली है, अच्छी मजे ले लेके खाओ। चलिए मैडम, ये बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से इंजेक्शन लगा दीजिए। अरे मेरा इंजेक्शन तो रेडी है, चलो अब जल्दी से ये बच्चे को इंजेक्शन दे देती हूँ। चलो ये बच्चे की कमर पर इंजेक्शन देना होगा। चलो जल्दी से बच्चे को इंजेक्शन दे देती हूँ। अरे कुछ नहीं गुड्डू, होता है। अरे मत रो गुड्डू, अरे मेरा प्यारा बेटा, ये देखो टॉफी खाओ। चलो चलो, ये मीठी मीठी गोली खा लो, डॉक्टर जी आपके लिए लेकर आई है ना। गुड्डू बेटा रोते नहीं। चलो गुड्डू बेटा रो मत। अरे मैडम, उसे थोड़ी देर तक तकलीफ होंगी, फिर बाद में ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर, हमें ये इंजेक्शन नहीं लेना है, हमें तो बस ये मीठी मीठी गोली चाहिए थी। चलो मिंकी, यहाँ से अब हमें कुछ भी नहीं लेना है। चलो मिंकी, मैं तो जा रही हूँ। अरे प्यारी बच्ची, तुम अब आ ही गई हो तो इंजेक्शन ले लो, तुम्हें ये इंजेक्शन के बदले में मीठी मीठी गोली मिलेंगी। मेरा तो बहुत दिल कह रहा है खाने का, चलो हम इंजेक्शन ले ही लेते हैं। अरे वेरी गुड बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो, चलो इंजेक्शन ले लो, फिर तुम्हें हम बाद में मीठी मीठी गोली देंगे। चलिए मैडम, ये बच्चे भी रेडी हो गए हैं, अभी ने जल्दी से इंजेक्शन दे दीजिए। चलो बच्चों, तुम दोनों भी अपना अपना हाथ आगे करो। अली डॉक्टर, ज्यादा दर्द तो नहीं होगा ना? नहीं बेटा, तुम दोनों को भी दर्द नहीं होगा, ये इंजेक्शन तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, तुम हर बीमारियों से बचे रहोगे। चलो अब दे देती हूँ। कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, अरे डॉक्टर कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे बच्चे, इसमें से मीठी गोली ले लो,
तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। अरे मिंकी कितनी जोर से लगी ना जब हमें इंजेक्शन दे रहे थे। चलो अब हम घर पर जाकर अपने मम्मी पापा से कह देते हैं कि हमने इंजेक्शन ले लिया है। और चिंकी मिंकी इंजेक्शन लेकर चले जाते हैं। अरे वहाँ मैडम, हमने बहुत सारे बच्चों को इंजेक्शन लगा दिए हैं, बस वो दो बच्चे जो पीछे खड़े हैं ना अब वो ही बाकी हैं। अरे हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। मैडम मैडम प्लीज थोड़ा सा गिलास भरकर पानी पिलाइए ना। अरे हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे मुझे तो टॉयलेट आई है, अरे फिर से खेत जाना होगा। अरे चलो जल्दी से जाती हूँ, खेत पहुँचने में ही मुझे 10 मिनट लग जाते हैं। अहली सूफिया देखो तुमने चिंकी मिंकी कैसे लोते हुए गए हैं। हो ना हो ये डॉक्टर हमें लालच देकर इंजेक्शन दे रहे हैं। अहली नहीं, मैं तो इंजेक्शन नहीं लेने वाली हूँ, मैं तो अपने पायल दबाकर छत पर भाग जा रही हूँ। अहली चलो जल्दी जाती हूँ, मुझे तो इंजेक्शन नहीं लेनी है। अहली वाह चलो मैं तो छत पर आ गई हूँ। अहली सूफिया चलो तुम भी जल्दी से आ जाओ, तुम क्या सोच रही हो। अहली हाँ मुझे नहीं चाहिए वो गोली, वो गोली के बदले में तो हमें इंजेक्शन दे रहे हैं। अली हाँ सुहाना मैं भी आ रही हूँ। अहली सूफिया अब एकदम खामोश बैठ जाओ, हमें इंजेक्शन नहीं लेनी है। अहली हाँ सुहाना अब हम ऐसे ही खामोश बैठेंगे। अरे वाह चलो गुड्डू भी सो गया है, चलो अब इसे पलंग पर डाल देती हूँ। अहली मम्मा छोड़ दीजिए, मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है, आप मेरे शर्त में जबरदस्ती कर रही है। अरे पिंकी एकदम चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हें इंजेक्शन लेना ही होगा। अरे डॉक्टर डॉक्टर ये मेरी बच्ची को भी इंजेक्शन दे दीजिए। अहली मम्मा छोड़िए मुझे, मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है। अरे पिंकी जिद मत करो, नहीं तो तुम्हारे पापा से कहकर तुम्हें वापस शहर भिजवा दूंगी। अरे मम्मा छोलिए मुझे, आप ये क्या कर रही है। अरे पिंकू बेटा तुम्हें इंजेक्शन लेनी ही होगी। अरे मम्मा आपके मुझे पिंकी समझ रही है, मैं कोई भी इंजेक्शन इंजेक्शन से नहीं डलता हूँ, मैं एक लड़का हूँ लड़का। और मम्मा अब आप देखो मैं कैसे झटपट से इंजेक्शन लेता हूँ। अरे डॉक्टर मुझे जल्दी से इंजेक्शन दे दो, मैं इंजेक्शन से नहीं डलता हूँ। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो जल्दी से इधर आ जाओ, मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा देती हूँ। अरे पिंकी देखो, पिंकू कितने अच्छे से इंजेक्शन लगा रहा है, कितना अच्छा बच्चा है, अपनी मम्मा को जरा भी परेशान नहीं करता है। अरे पिंकू का बच्चा तो बहुत ही ज्यादा इतला रहा है, क्या समझ रहा है खुद को तिशमाल खान। लेकिन ये चुहाना सूफिया कहीं भी नजर नहीं आ रहे है। अरे हो ना हो कुछ तो कुछ गड़बड़ है ही। अहले वाह देखो मुझे तो कुछ भी दल नहीं हो रहा है, चलो अब जल्दी से मुझे वो मीठी गोली दे दो। अरे हाँ पिंकू बेटा ये लो, तुम्हें जितनी भी गोली चाहिए तुम इसमें से ले सकते हो। अरे पायल सुहाना सूफिया ने भी इंजेक्शन ले लिया है क्या। अरे चमेली जी मैं कब से वही सोच रही हूँ, मुझे तो सुहाना सूफिया कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे है। अहले हाँ ऐसे लगता है ये छत पर चले गए है। अहले चलो मैं भी छत पर भागती हूँ, अहले मुझे भी इंजेक्शन नहीं लेनी है। अहले तुम ऊपर किसी के आ गई, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया होगा तो हम सबका बांधा फूट जाएगा। अहले देखा ही नहीं वो अब हमें लेने भी आ रहे हैं, अगर इंजेक्शन मुझे लगेंगी तो तुम दोनों को भी लगेंगी। चलिए दीदी अब हम उन्हें लेकर आते हैं। जाइए मैडम जल्दी से बच्चों को लेकर आइए, हमें दूसरी भी जगह जाना है। अरे ये बच्चों को भी क्या हो गया है, इंजेक्शन से इतने ज्यादा डर रहे हैं। चलो मैं सुहाना सूफिया सबको लेकर आती हूँ। अरे सूफिया पिंकी मेरी मदद करो, चलो जल्दी से शीलिया ऊपर खींचो। जो लगा की है ईशा, जो लगा की है ईशा, अहले वाह शीलिया ऊपर आ गई है। ये अहले वाह शीलिया ऊपर आ गई है। अरे दीदी देखिए ना बच्चों ने सीढ़िया ऊपर ले ली है। अहले मम्मा प्लीज हमें इंजेक्शन नहीं लेना है। अरे दीदी मुझे ऐसा लगता है ये बच्चे नीचे नहीं आने वाले हैं, आप राहुल जी को बुला लीजिए। हेलो हेलो हाँ राहुल जी मैं पायल बोल रही हूँ। हाँ पायल जी बोलिए क्या बात है। अरे हाँ पायल जी आप फिक्र ना करें, बस मैं अभी 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। प्रिया तुम अपनी छोटी बहन को कुछ भी सिखाती नहीं हो, देखो वो कितनी ज्यादा बिगड़ गई है। पिंकी खुद छत पर जाकर बैठी है, इसमें मुझे मत कुछ बोलो। अरे ये क्या हो रहा है, बच्चे तो नीचे आ ही नहीं रहे हैं, हम उन्हें कब इंजेक्शन देंगे और फिर दूसरे बच्चों के पास जाएंगे। अरे छुहाने की छत इतनी कुछ खास भी नहीं है, देखो कैसी ढुलपुल ढुलपुल हो रही है। अरे देखो तो सही ये छीलिया कितनी बेकार दिख रही है। अरे पिंकी तुम हमारी छीलिया को ऐसे कुछ भी मत बोलो, हमारी छीलिया बहुत अच्छी है। इतनी बेकार छीलिया जले भी अच्छी नहीं लग रही है, हमारे घर पर आना और हमारी छीलिया देखना कितनी अच्छी है। अरे आज तो मैं बाल बाल बची, नहीं तो मैं जमीन पर गिर जाती ना तो मेरा टकला फूट जाता था। अरे कुछ हुआ तो नहीं ना। अरे वाह चले पिंकी नीचे आ गई है, चलो अब इसे इंजेक्शन दे देते हैं। अरे नहीं नहीं मुझे इंजेक्शन मत दो, पिलिया दीदी पिलिया दीदी। चलिए डॉक्टर मैंने बच्ची को पकड़ लिया है, आप जल्दी से इसे इंजेक्शन दे दीजिए। अरे नहीं मुझे इंजेक्शन मत दो। चलो अच्छा हुआ पिंकी का इंजेक्शन हो गया। अरे चमेली मौसी आपने मुझे जबरदस्ती का इंजेक्शन दिलवाया है। अरे वाह पिंकी का इंजेक्शन हो गया है, चलो प्रिया पिंकू हमें घर पर जाना है। अरे मम्मा आपने भी कुछ नहीं बोला, आप आने दो पापा को, आपकी कंप्लेन करूंगी मैं। मेरा बेटा पिंकू कितना अच्छा बच्चा है, कितने अच्छे से इंजेक्शन ले लिया है, ऐसे ही हम
हमेशा मेरे लाल इंजेक्शन लेते रहा करना, मम्मा को परेशान नहीं करना। पहले चमेली मासी की वजह से आज मेरी छोटी बहन को इंजेक्शन लगा है, मैं चमेली मासी को देख लूंगी। और तभी राहुल आ जाता है। अरे मैं वो क्या देख रहा हूँ, सुहाना और सोफिया छत के ऊपर है। अरे नहीं, शायद उन्होंने सीढ़ियां भी ऊपर ले ली है। अरे अब मैं क्या करूं। अरे हाँ चलो मैं एक तरकीब लगाता हूँ, इधर से जाता हूँ मैं ऊपर। एक आर्मी ऑफिसर के लिए कुछ भी हार्ड नहीं होता है, चलो अब इसके ऊपर भी चढ़ जाता हूँ। अरे वाह, मैं छत पर पहुँच ही गया हूँ। अरे ये क्या पप्पा? अरे चलो जल्दी से मैं सीढ़ियां नीचे लगा देता हूँ। अरे वाह सीता, देखो राहुल जी आ गए। चलो सुहाना बेटे, बच्चे बच्चों की तरह नीचे आ जाओ। पायल जी, सुहाना सोफिया नीचे आ रहे हैं। अरे चलो अब कुछ भी फायदा नहीं, पप्पा आ गए हैं और सुहाना सोफिया छत से नीचे आ जाते हैं। अरे सुहाना बेटे, इंजेक्शन बहुत अच्छी चीज होती है, बस थोड़ी देर की तकलीफ होती है, फिर बाद में वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहती है। अहले अब तो पप्पा कह रहे हैं, अब तो मुझे इंजेक्शन लेना ही होगा। ठीक है पप्पा, मैं इंजेक्शन ले रही हूँ। डॉक्टर डॉक्टर, आप मुझे भी इंजेक्शन लगा दीजिए। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो, इंजेक्शन लगाने के लिए आ गई। अहले ये क्या, चौहाना ने तो इंजेक्शन लगा ली है, चलो मैं भी लगा लेती हूँ। डॉक्टर डॉक्टर, मुझे भी इंजेक्शन लगा दीजिए, बस थोड़ा आराम से लगाना। अरे वाह दीदी, देखिए सुहाना सोफिया दोनों ने भी इंजेक्शन ले ली है। अरे अब चलिए डॉक्टर, यहाँ के तो पूरे बच्चों को इंजेक्शन हो गए हैं, अब हम दूसरे एरिया में जाकर इंजेक्शन लगाते हैं। अरे ये क्या, डॉक्टर तो गोलियों का यहाँ पर ही भूल गई है। अरे मम्मा देखी ना, डॉक्टर ये भूल कर चली गई है। अरे सुहाना बेटे, वो तो चले गए, चलो जाने दो, उनके पास ऐसी गोलियाँ बहुत रहती है। सुहाना बेटे तुम ही ये गोलियाँ खा लो, तुमने इंजेक्शन ली है ना। अरे वाह, इतनी शाली गोलियाँ खाने में कितना ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आएगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।